नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में मकई के बीच में कि जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को पहले दिखाया था इस जगह पे दोस्तों जब कि मकई बहुत पीली थी, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आप सभी को बताता रहता हूँ दोस्तों कि जैसे कि जहाँ तक कोशिश करें कि ना डालें यूरिया ना डालें, जहाँ तक उसके देसी पानी डालें, उसके तो विषय में आप सभी को बताएंगे क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं फ़ायदा होता है, तो हम आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सब लगे दबाएँ ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या फूड संबंधित जो भी वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों जैसे देख रहे हैं ये जगह जो आप सभी को पहले दिखाया था बहुत छोटे छोटे मकई थी, बहुत पीली हो गई थी क्योंकि इसमें मतलब विटामिन थोड़ा सा कम थी, लेकिन वही जगह दोस्तों ये है। हम इसमें क्या किए हैं जैसे कि आप सभी को दिखाते हैं, इसमें जो हम पांच देसी डाले हैं, जैसे पांच आप देख रहे हैं कितनी पांच पड़ी है, मैं टोटल बकरी के पांच हम डाले हुए हैं, जैसे मैं आप सभी को बताया था कि इसमें पांच डालना चाहिए। बहुत लोग जैसे यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं, तो डाई यूरिया डालने से क्या होता है जिससे पेड़ तो थोड़ा सा एक बार लंबाई बढ़ जाती है, थोड़ा सा एक बार हरा हो जाता है, लेकिन इसमें जो केमिकल होता है वो नहीं सही रहता है। लेकिन जो हम पांच डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम जो है इसमें डाल देते हैं पांच वगैरह, तो क्या होता है जैसे अभी से लेके जब से हम डालते हैं, जैसे यानी पांच पकड़ लेते हैं जब तक हम काटते नहीं, जब तक मेरा पेड़ हरा रहता है, जानवर खाते हैं उसके लिए भी फ़ायदा होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और जो भी दाना इसमें बैठता है जैसे मकई जो बैठती है खाने में इसका स्वाद रहता है। लेकिन जो हम यूरिया डालते हैं डाई डालते हैं उसमें क्या होता है कि जब वो तैयार तो हो जाती है, लेकिन पकने से पहले मकई तैयार होने से पहले थोड़ा सा फिर पीली हो जाती है, तो उसमें उतना स्वाद भी नहीं होता, केमिकल होता है। तो इसमें जो है हमारा देसी पानी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, और आप तेरे कितनी काली हो रही है, इसमें एक पैसे की हम इसमें मतलब एक रुपये कोई खाद में से डालते ही नहीं, खाद हमारे पास आती ही नहीं है। इसी वजह से आपको दूसरा दिखाता हूँ जो कि भी तैयार हो रहे थोड़ा बहुत, जैसे कि जैसे ये देख रहे हैं दोस्तों इधर भी वही इस हिसाब से इधर भी है, इसमें भी कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या डाले हैं, सिर्फ देसी पांच डाले हुए हैं, जिसके पांच फूल भरी हुई है, पांच में कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ सिंचाई जो है लगाने से लगभग जब से मैं लगाया हूँ अभी तक चार पांच पानी लगभग पाँच पानी लगभग सींचा हूँ, अभी लगभग एक हफ्ता से थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और इसमें हम कुछ नहीं ले, बस सिर्फ देसी पांच डाले, बिल्कुल फ्री में कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एक दो बार निराया है और देसी पांच डाल दिए हैं, पाँच पानी सींच दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बस अभी तो हल्का फुल्का बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़बरदस्त दोस्तों मकई हो रही है, अभी तो सिर्फ दाना बैठना शुरू हुआ है, जब ये तैयार होगा तो आप सभी को दिखाएंगे, एक में दो दो तीन तीन दाना एक इन वाली बैठेगी, कोई मुश्किल नहीं, इसमें देख रहे हैं दो दो निकलना शुरू किया है, अभी ये जब तैयार होगा तो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप मकई लगाते तो जहाँ तक खुश करें कि हम डाया और यूरिया का ना प्रयोग करते हुए सीधे हम जो है इन्हें देसी पास पिया जाएगा, देसी पास अगर डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वाद रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और जानवर भी खाएगा ये नहीं पत्ती तो ये नहीं घास तो भी बहुत सही रहेगा, जो जिसको खिलाया जाता है, जैसे यहाँ पे तो हम लोग सुखा खिलाते हैं अपने वहाँ पर, इंडिया में बहुत लोग जो है इसको मतलब बकरी की खिलाते हैं या कोई गाय भैंस की खिलाता है, तो उसका भी स्वाद पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जल्दी कोई बीमार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मकई लगाते तो सीधा इस पर पाँच पर ध्यान दिया करें, बाकी जो भी प्रक्रिया होगी तो आप सभी को हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, फिर मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।